नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खबर उत्तराखंड में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं नई दिल्ली में बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के रोड शो के मौके पर उत्तराखंड सरकार और JSW न्यू एनर्जी लिमिटेड के बीच 15,000 करोड़ का MOU किया गया। वहीं MOU के तहत अल्मोड़ा में 1500 मेगावाट के 2 पंप स्टोरेज का विकास किया गया। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में पंप स्टोरेज प्लांट और सीमेंट प्लांट स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर कुमाऊं के मंदिरों के सौंदर्यीकरण के क्षेत्र में सहयोग की अपेक्षा की। वहीं एमओयू के तहत JSW एनर्जी और 1500 मेगावाट क्षमता के अल्मोड़ा में 2 स्व पहचान वाली पंप स्टोरेज परियोजनाएं स्थापित करने की योजना पर कार्य करेगी, जिसे अगले 5 से 6 सालों में विकसित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रदेश सरकार पर डेंगू के मामले में हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा है कि डेंगू से इस समय पूरा प्रदेश बुरी स्थिति में से जूझ रहा है, ऐसे में सरकार आंकड़े छुपाने का भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि लोग काफी परेशान हैं और सरकार केवल आंकड़ेबाजी कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने एम्स ऋषिकेश में हुई बाहर से 600 नियुक्तियों पर स्वास्थ्य मंत्री पर निशाना साधा है। अस्पताल में मशीन खरीद को लेकर भी कई आरोप लगाए हैं। मुख्य विषय था एम्स अस्पताल की अनियमितताएं। पूर्व में भी हड्डी और कंकाल खरीद पर बड़ा घोटाला हुआ, मशीन खरीद पर घोटाला हुआ, CBI जांच बैठी, लेकिन 600 लोगों की जो नियुक्तियां वहां नर्सिंग में हुई, नर्सिंग काउंसिल ऑफ उत्तराखंड में उनका पंजीयन होना आवश्यक था, जो नहीं किया गया। राजस्थान से ही 600 लोगों की नियुक्तियां कर दी गई। मेरा आरोप है कि उन नियुक्ति की जांच होनी चाहिए, नेताजी की भी जांच होनी चाहिए कि वो राजस्थान के प्रभारी थे और उस प्रभारी के तौर पर कार्य करते हुए कौन ऐसे लोगों से उनकी मुलाकात हुई जिससे एक ही स्टेट के इतने सारे लोग उत्तराखंड में नौकरियों में आ गए और उत्तराखंड के जो नौजवान नवयुवतियां नर्सिंग करे हुए ट्रेन लोग थे उनके अधिकारियों का हनन हुआ। और कहीं मुझे डाउट है इस बात का कि कहीं कोई राजस्थान का हाकम सिंह इसमें इन्वॉल्व ना हो, इसलिए इसकी भी CBI जांच होनी चाहिए। वहीं नशे के कारोबार करने वालों के खिलाफ चमोली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पुलिस ने 1 किलो 11 ग्राम चरस सहित आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि जिले में अवैध नशे के प्रचलन के रोकथाम के लिए पुलिस लगातार सक्रिय है। बरामद चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 लाख से अधिक बताई जा रही है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। मुख्यमंत्री जी द्वारा नशे की रोकथाम हेतु एक अभियान चलाया जा रहा है, ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025, उसी को सार्थक करने में जनपद चमोली पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। इसी अनुक्रम में कल शाम चेकिंग के दौरान थराली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति जिसके पास 1 किलो 11 ग्राम चरस बरामद हुई है उसको गिरफ्तार किया गया है। और जो माल बरामद हुआ है उसकी अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1 लाख रुपये है। और चूंकि बरामद माल के आधार पर इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अपराधी को न्यायालय पेश किया जाएगा। वहीं राजधानी देहरादून के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मंगलवार शाम तबियत बिगड़ने पर जौनसार क्षेत्र के 18 वर्षीय लड़की निशा को भर्ती कराया गया, जिसके उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही करने का आरोप लगाया है, जिसके चलते देर शाम से ही युवती का शव इमरजेंसी के बेड पर ही रखा गया, जिसे पुलिस की मदद से अब मोर्चरी में रखवा दिया गया है। दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई, जिसको लेकर इस मामले में निष्कर्ष निकाला जा रहा है। बताया जा रहा है
हाँ देखिए, ये मामला मेरे संज्ञान में भी आया कि निशा नाम की एक 18 साल की लड़की जो काफ़ी तेज बुखार, पेट में दर्द और मुंह से खून आने की शिकायत को लेकर रात लगभग 11:15 बजे इमरजेंसी में भर्ती की गई थी, जहाँ पर हमारे मेडिसिन के डॉक्टर ने उसको देखा और कुछ दवाइयाँ दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सर्वाइव नहीं कर पाई। अब ऐसे में घर वालों का जो इस तरह का इल्ज़ाम है कि शायद कुछ दवाइयाँ दूसरे मरीज को दी जाने वाली इधर दी गई हैं, तो उस तरह का तो कुछ हमारी शुरू की इंक्वायरी में नहीं पाया गया है, लेकिन फिर भी हमने एक अपने डिप्टी MS डॉक्टर डोभाल और बाकी डॉक्टर्स के निर्देशन में एक कमेटी गठित करी है जो 2 दिन के अंदर इस चीज़ की हमें पूरी इंक्वायरी कर आख्या देगी। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास संकल्प को सार्थक करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को चौमुखी विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जा रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब उत्तराखंड के 50 से भी ज्यादा गांवों की तस्वीर सवरने जा रही है। पहले चरण में उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा, नीति, मलारी, कोसा, कैलाशपुर, मेहरगांव, फरकिया, बांपा, गमशाली और पिथौरागढ़ के गूंजी गांव से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना की शुरुआत होने जा रही है। हमारे गांव को जो है प्रथम गांव जो है वाइब्रेंट विलेज घोषित किया हुआ है, इससे निश्चित है कि यहां का विकास होना चाहिए। जैसे जनजीवन में सुखद बदलाव लाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना के तहत सड़क, पेयजल, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना से हमारा गांव बदल जाएगी, हमारी जिंदगी आगे बढ़ेगी। स्थानीय हस्तकला को यहां बढ़ावा मिलेगा, पर्यटक आएंगे तो लोकल बने उत्पादों को खरीदेंगे, जिससे यहां के आय स्रोत को भी बढ़ावा मिलेगा। बाय वे योजना अगर हमारे गांव में आए तो हमें बहुत सारी सुविधा होगी, जैसे हमारे गांव में पानी की और सड़क की और बिजली बहुत अच्छी सुविधा होगी। इस योजना से सीमा क्षेत्र तो मजबूत होगा ही, साथ ही साथ सीमावर्ती गांव भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। हम लोग सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं और सीमा के प्रहरी के रूप में भी जाने जाते हैं, द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में हम यहां पर काम करते हैं। धामी सरकार उत्तराखंड को वैश्विक मानचित्र पर आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित राज्य के रूप में स्थापित कर रही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब गांव को मिलेगी नई पहचान। श्रेष्ठ भारत की अप्रतिम विकास यात्रा में देश का मान बढ़ाता आदर्श राज्य उत्तराखंड आज अपने स्वर्णिम दशक के दौर से देश दुनिया को रूबरू करा रहा है और अपनी सफल औद्योगिक विकास यात्रा की नई परिभाषा लिख रहा है। निवेशकों के पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड आज अपार संभावनाओं से भरे इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में हो रहे हजारों करोड़ों के निवेश से आगे बढ़ रहा है। राज्य में 2000 से अधिक व्यावसायिक अनुपालनों में सुधार और उद्योगों के लिए अनुकूल विकसित इकोसिस्टम से 27 से ज्यादा फोकस नीतियाँ, 200 से अधिक निवेश योग्य परियोजनाओं और 6000 एकड़ से अधिक सरकारी लैंड बैंक के साथ उत्तराखंड आज अपने निवेशकों के लिए सफलताओं भरा भविष्य सुनिश्चित कर रहा है। आइए जुड़िए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के साथ और दीजिए अपनी आर्थिक उन्नति को उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प प्रतिबद्धता से पूरा कर रहे हैं। विकास के ऊंचे शिखर को छू रहे उत्तराखंड के निवासियों के जीवन को धामी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं नई दिशा दे रही हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में चलाई जा रही जन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहले पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना होता था, लेकिन अब धामी सरकार के नेतृत्व में घर बैठे सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं। SECYURTSCUK.GOV.IN पर लॉगिन करके या फिर टोल फ्री नंबर 1800
2709816 पर कॉल करके लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल हो रही है। इसी तरह उत्तराखंड सरकार की ओर से कई फोन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन पर व्हाट्सएप के जरिए सरकारी सेवाओं की जानकारी मिलती है। टोल फ्री नंबर या व्हाट्सएप पर एक SMS करना पड़ता है और हमारा काम आसानी से हो जाता है। उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग में 48 विभागों की 800 से ज्यादा सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। पोर्टल पर कुल 600 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इनमें राशन कार्ड नवीनीकरण, हमको तो खुश है यहीं पर मिल रहा सब कुछ, यहीं बनाते राशन कार्ड भी यहीं बना, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन योजना, किसान पेंशन योजना और आय प्रमाण पत्र जैसी विभिन्न और आवश्यक सरकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड वासियों को बिना रुकावट के मिल रहा है। मैं यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आई हूँ, जो आज मेरे को प्राप्त होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, तब से लोगों के पास काफी एक सोफिस्टिकेटेड वे बन गया है ऑनलाइन आवेदन करने का, और लोगों को कहीं ना कहीं बहुत जल्दी समस्याओं से उनका निस्तारण हो जा रहा है। आज उत्तराखंड वासियों के चेहरे पर है मुस्कान, सेवा का अधिकार सपनों को दे रहा है नई उड़ान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां देहरादून बसंत विहार थाना क्षेत्र में महिला के साथ हुई लूट की घटना का देहरादून पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। बता दें कि मंगलवार को थाना बसंत विहार निवासी नम्रता बोहरा के घर में एक व्यक्ति जबरदस्ती घुस आया और चाकू की नोक पर नकदी व ज्वेलरी लूट कर ले गया, जिस पर थाना बसंत विहार में मुकदमा दर्ज कराया गया। इस मामले पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 250 CCTV फुटेजों को खंगाला गया, जेल गए और अपराधियों के नशे के आदियों सहित लगभग 150 संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। CCTV फुटेज से प्राप्त अभियुक्त के हुलियों को देखते हुए जानकारी एकत्रित की गई। वहीं पुलिस टीम को ज्ञात हुआ कि इस हुलिये से मिलता जुलता एक अंकित ठाकुर नाम का व्यक्ति पहले भी चोरी की घटनाओं में कई बार जेल जा चुका है। इसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने अंकित को गिरफ्तार किया। वहीं तलाशी लेने पर अंकित के पास से चोरी की गई ज्वेलरी और नकदी चाकू बरामद कर लिया गया है। देखिए 3 तारीख की देर रात्रि में मोहित नगर बसंत विहार क्षेत्र में नम्रता जी रहती है, वहां पर वो उनके घर में एक बदमाश घुस गया था और बदमाश जो अज्ञात द्वारा उनको चाकू दिखाकर डरा धमका कर सोने की चेन और 50,000 रुपए अन्य ज्वेलरी लेकर चला गया था। तत्काल ही मौके पर सूचना मिलने पर सभी अधिकारीगण ने वहां पर निरीक्षण भी किया था और मुकदमा लूट में दर्ज कर लिया गया था। इसके बाद जो जानकारी मिली, जो हमें कुछ संदिग्ध फुटेज भी मिले और साथ ही साथ जब ये पूरा चेक किया गया टीम द्वारा कि कौन कौन से चोर या इस तरह के अभियुक्त जो अभी हाल में जेल से छूटे हैं, इसमें बहुत सारे लोग हमें पिन पॉइंट हुए और हुलिया के आधार पर इसमें अंकुर ठाकुर करके जो पूर्व में भी 7 मुकदमे उसमें दर्ज है उसको आइडेंटिफाई किया गया टीम द्वारा संदिग्धता के आधार पर। और जब कल देर रात्रि उसको गिरफ्तार किया गया तो उसे पूछताछ में सारी घटना को भी कबूला, पूरा जो समझ जल्दी 7.5 लाख के करीब की थी वो बरामद हो चुकी है, कैश भी बरामद हो गया। यह अभियुक्त बहुत शातिर किस्म का है, पूरे इलाके को अच्छी तरह जानता है। जब भी वो जेल से छूट के आया था, 5 दिन पूर्व जेल से छूट के आया था और पैसे के लिए इसने घटना को अंजाम दिया। वहीं मसूरी में नॉर्दर्न रेलवे की करीब 317 एकड़ भूमि पर माफियाओं ने भूमि के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर सड़क और सड़क किनारे से निर्माण कार्य कर दिया गया है, जिस पर मुरादाबाद मंडल नॉर्दर्न रेलवे प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है। अभी हम लोग अपने संगठन में काम कर रहे हैं। 2 दिन पहले आपने देखा होगा हरिद्वार में गढ़वाल मंडल के जितने भी जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष थे उनकी बैठक ली गई है, उसमें कई गंभीर विषयों पर चर्चा हुआ है और कैसे हमने आगे की रूपरेखा तैयार करनी वो हुई है। इसी महीने 10 तारीख के आसपास एक बैठक कुमाऊं मंडल की भी होने जा रही है, जिसमें कुमाऊं मंडल के महानगर अध्यक्ष और जिलाध्यक्षों को आमंत्रित किया जाएगा, उनसे भी सुझाव लिए जाएंगे, उस पर करेंगे। और निर्णय लिया है पार्टी ने कि ब्लॉक और बूथ अध्यक्ष के बीच में एक कार्यकारिणी और हम बना रहे हैं, इसको मंडल का नाम दिया है,
उनका गठन हम करें, जो लगभग जिसकी संख्या 1200 के आसपास होगी पूरे प्रदेश में, और ये समन्वयक का काम करेंगे बूथ और ब्लॉक लेवल पे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां देवभूमि उत्तराखंड में बढ़ती वन्य जीवों की संख्या के साथ ही बंदरों का खौफ भी बढ़ने लगा है। बंदरों के आतंक पर लगाम लगाने के लिए वन विभाग ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। बढ़ते बंदरों के खौफ से निजात दिलाने के लिए जल्द ही विभाग 5 अन्य बंदर बाड़े बनाएगा ताकि बंदरों से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। वहीं बंदर बाड़े बनने से बंदरों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए मिशन मोड में बंदरों का बध्याकरण तेजी से किया जा सकेगा। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि बंदरों की बढ़ती संख्या को कंट्रोल करने के साथ ही बंदरों से होने वाले नुकसान को गंभीरता से लेते हुए दीर्घकालीन योजना के तहत इस कार्य को अंजाम दिया जाएगा। एक मिशन के रूप में मिशन मंकी शुरू किया है, जिसमें राज्य में तकरीबन 3 लाख के आसपास जो बंदर है, हमारा ये प्रयास है कि 3 वर्षों के अंदर सारे बंदरों का बंध्याकरण करके हम इस भविष्य में एक दूरगामी नीति के तहत बंदरों की फर्दर जनसंख्या को रोकने में सफल होंगे, ताकि जो जो हमारे फार्मर्स का और बंदरों का कन्फ्रंटेशन है, जो हमारे आम आदमी का और बंदरों के साथ जो बंद है, उसको रोक करके आगे बढ़ाया जा सके। इसीलिए और एक साथ साथ सुअरों से भी खेती को बड़ा नुकसान होता है, तो सुअरों की जनसंख्या को रोकने के लिए हमने मिशन लोमड़ी भी काम प्रारंभ करने का निर्णय लिया है, ताकि लोमड़ियों के द्वारा लोमड़ी को भी धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही, नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प प्रतिबद्धता से पूरा कर रहे हैं। विकास के ऊंचे शिखर को छू रहे उत्तराखंड के निवासियों के जीवन को धामी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं नई दिशा दे रही हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में चलाई जा रही जन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहले पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना होता था, लेकिन अब धामी सरकार के नेतृत्व में घर बैठे सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं। seyurtsc.uk.gov.in पर लॉगिन करके या फिर टोल फ्री नंबर 1800-270-9816 पर कॉल करके लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल हो रही है। इसी तरह उत्तराखंड सरकार की ओर से कई फोन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन पर व्हाट्सएप के जरिए सरकारी सेवाओं की जानकारी मिलती है। टोल फ्री नंबर या व्हाट्सएप पर एक SMS करना पड़ता है और हमारा काम आसानी से हो जाता है। उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग में 48 विभागों की 800 से ज्यादा सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। पोर्टल पर कुल 600 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इनमें राशन कार्ड नवीनीकरण, हमको तो खुश है यहीं पर मिल रहा सब कुछ, यहीं बनाते राशन कार्ड भी यहीं बना, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन योजना, किसान पेंशन योजना और आय प्रमाण पत्र जैसी विभिन्न और आवश्यक सरकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड वासियों को बिना रुकावट के मिल रहा है। मैं यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आई हूँ, जो आज मेरे को प्राप्त होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, तब से लोगों के पास काफी एक सोफिस्टिकेटेड वे बन गया है ऑनलाइन आवेदन करने का, और लोगों को कहीं ना कहीं बहुत जल्दी समस्याओं से उनका निस्तारण हो जा रहा है। आज उत्तराखंड वासियों के चेहरे पर है मुस्कान, सेवा का अधिकार सपनों को दे रहा है नई उड़ान। श्रेष्ठ भारत की अप्रतिम विकास यात्रा में देश का मान बढ़ाता आदर्श राज्य उत्तराखंड आज अपने स्वर्णिम दशक के दौर से देश दुनिया को रूबरू करा रहा है और अपनी सफल औद्योगिक विकास यात्रा की नई परिभाषा लिख रहा है।
निवेशकों के पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड आज अपार संभावनाओं से भरे इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में हो रहे हजारों करोड़ों के निवेश से आगे बढ़ रहा है। राज्य में 2000 से अधिक व्यावसायिक अनुपालनों में सुधार और उद्योगों के लिए अनुकूल विकसित इकोसिस्टम से 27 से ज्यादा फोकस नीतियाँ, 200 से अधिक निवेश योग्य परियोजनाओं और 6000 एकड़ से अधिक सरकारी लैंड बैंक के साथ उत्तराखंड आज अपने निवेशकों के लिए सफलताओं भरा भविष्य सुनिश्चित कर रहा है। आइए जुड़िए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के साथ और दीजिए अपनी आर्थिक उन्नति को उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास संकल्प को सार्थक करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को चौमुखी विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जा रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब उत्तराखंड के 50 से भी ज्यादा गांवों की तस्वीर सवरने जा रही है। पहले चरण में उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा, नीति, मलारी, कोसा, कैलाशपुर, मेहरगांव, फरकिया, बांपा, गमशाली और पिथौरागढ़ के गूंजी गांव से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना की शुरुआत होने जा रही है। हमारे गांव को जो है प्रथम गांव जो है वाइब्रेंट विलेज घोषित किया हुआ है, इससे निश्चित है कि यहां का विकास होना चाहिए। जैसे जनजीवन में सुखद बदलाव लाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना के तहत सड़क, पेयजल, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना से हमारा गांव बदल जाएगी, हमारी जिंदगी आगे बढ़ेगी। स्थानीय हस्तकला को यहां बढ़ावा मिलेगा, पर्यटक आएंगे तो लोकल बने उत्पादों को खरीदेंगे, जिससे यहां के आय स्रोत को भी बढ़ावा मिलेगा। बाय वे योजना अगर हमारे गांव में आए तो हमें बहुत सारी सुविधा होगी, जैसे हमारे गांव में पानी की और सड़क की और बिजली बहुत अच्छी सुविधा होगी। इस योजना से सीमा क्षेत्र तो मजबूत होगा ही, साथ ही साथ सीमावर्ती गांव भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। हम लोग सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं और सीमा के प्रहरी के रूप में भी जाने जाते हैं, द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में हम यहां पर काम करते हैं। धामी सरकार उत्तराखंड को वैश्विक मानचित्र पर आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित राज्य के रूप में स्थापित कर रही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब गांव को मिलेगी नई पहचान। हमने एक मैनेजर, इन्वेस्टमेंट का मैनेजर भी नियुक्त करने का निर्णय किया है, जिसके कारण से कि उनको अपने बहुत सारे समाधान करवाने के लिए, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए कहीं भी परेशान न होना पड़े, उनका आसानी से समाधान हो जाए, आसानी से वो अपना उद्योग वहां पर उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थापित कर पाए, उसके लिए हमने ये सब व्यवस्थाएं की हैं। और हम कहीं हमको ये प्रेरणा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही मिली, जो उन्होंने गुजरात के अंदर वाइब्रेंट गुजरात का कार्यक्रम शुरू किया था। शुरुआती दौर में वहां पर भी कठिनाई पैदा हुई, लेकिन धीरे धीरे गुजरात निवेश के लिए एक प्रमुख स्थल बन गया। उन्हीं से प्रेरणा लेकर उत्तराखंड के अंदर भी हमने डेस्टिनेशन उत्तराखंड शुरू किया है और हमें खुशी है कि आज हमें देश और विदेशों से अनेकों निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। इसके पीछे हमारा हेतु है कि आज जहां हमें 19,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, पिछले दिनों 12,500 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए थे उससे पहले।